न्याय यात्रा लगातार राहुल गांधी इसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आए। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान वो कांग्रेस पर जमकर बरसे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, क्या मुझसे बड़ा ओबीसी है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कितना बड़ा ओबीसी यहाँ खड़ा है। इसी पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति को लेकर निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित कराया। भाषण में पार्लियामेंट में एक सेकंड रुकिएगा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। अब बीजेपी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा यह सरासर झूठ है। पीएम मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अनुसूचित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके ऐसे जुल्म गए। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। वो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। मोदी जी गुजरात के तेली जाति के घर पैदा हुए थे। उनकी कॉमेंट्री को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। पीएम मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए, वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, किसी किसान के हाथ नहीं पकड़ते। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी जातिगत गिनती नहीं करने वाले हैं, जाति जनगणना कांग्रेस ही करके दिखाएगी। वो कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। जब मोदी जी कहते हैं कि देश में केवल 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, तो फिर वहां ओबीसी कहां से आ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सैलरी 1,60,000 रुपए है, जो दिन भर बदल बदल कर लाखों के सूट पहनते हैं। एक सूट पहनते हैं 2 से 3 लाख का, फिर शाम को सूट और शॉल पहनते हैं 4 से 5 लाख का। 1,60,000 की सैलरी वाले पीएम मोदी महीने में 2 से 3 करोड़ के सूट कैसे पहनते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा। पीएम ने अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को 400 सीट की बात कही थी। तब से इस पूरे मामले पर सियासी माहौल देखा जा रहा है।